पूरी दुनिया में जस पंजाबी देखने वाली सरू साह संगत जी फतेह अर्ज वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं जगतार सिंह जग्गी अज का खास प्रोग्राम तुहाडे वास्ते लैके हाजिर हैं। अज असी पहुंचे हैं लास वेगास दे विच गुरद्वारा गुरु नानक प्रकाश। इत्थे असी आए हैं बड़ू साहब तो जिहड़ा कलगीधर ट्रस्ट है उत्थों बाबा दविंदर सिंह जी अजकल अमेरिका दौरे ते ने, अलग अलग जगह जाके संगतां दे रूबरू हो रहे हैं, अपने विचार सांझे कर रहे हैं, संगतां दे विचार सुन रहे हैं। बड़ू साहब की गल करिए, कलगीधर ट्रस्ट की गल करिए, बड़े लंबे समय तो संत बाबा इकबाल सिंह जी इस तो पहला एक हो ला के गए सी, चिराग असी कह सकते हैं, दीवा जिहड़ा उन्होंने बालिया विद्या का चानण वंडण का, उहदे सिलसिले जो आए ने इत्थे की विचारां हुंदियां ने गुरु घर दे विच, की उहनां दा हैगा सिस्टम कि उत्थे बच्चा अडोप्ट कर सकदे जां की कर सकदे आ, उह सारे विचार असीं गुरु घर दे अंदरों सुणांगे जी। आओ चलदे आ गुरु घर दे अंदर, कोशिश करांगे प्रबंधक नाल गलबात करन दी। जस टीवी का प्रोग्राम देख रही सारी संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज बड़े भागा वाला दिन है कि साढ़े कोल काल अकैडमी कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब तो बाबा दविंदर सिंह जी और चरणजीत भैन जी और उन्होंने सारी टीम पहुंची है। असी सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जस टीवी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कवरेज दी लास वेगस नूं। बाकी सारे अगे सारे प्रोग्राम बिल्कुल। हाँ बेटा, तुसी पढ़ के आए हो बड़ू साहब, है की नाम पहले दस्सो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम परमिंदर कौर है, तो मैं अपनी प्लस टू जी है अकाल अकैडमी रीट खेड़ी तो पास आउट की है। बहुत ही वधिया स्कूल है। मैं मेन जो थैंकफुल हैगी हाँ मिसिस शमिंदरपाल कौर, मेरे प्रिंसिपल जी रह चुके ने, ते मैं नर्सरी तो लैके प्लस टू अपनी अकाल अकैडमी रीट खेड़ी तो कंप्लीट की है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही वधिया कैंपस है, तो जो भी इनवायरमेंट है बहुत ही वधिया इनवायरमेंट है, पीसफुल है, तो बहुत ही वधिया इतों मैं स्टडी जी है की है। मेरी इको ही अपील है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों अकाल अकैडमी के एडमिशन दवा, तो इतने की जो भी एजुकेशन है बहुत ही वर्थफुल है, तो फ्यूचर दे विच ए बहुत अच्छा तुहानू करियर मिलेगा थोड़े बच्चे नू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, तुसी भी दियो जी अपने विचार ते वेलकम स्वागत करो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो जस टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संत बाबा दविंदर सिंह जी जो कलगीधर ट्रस्ट दो जो बड़ू साहब तो इत्थे नुमाइंदे पहुँचे ने, जो कि हर साल ही इत्थे कलगीधर ट्रस्ट वास्ते जो इत्थे पहुँचते हैं। सो ये अज तो नहीं, ये तकरीबन पता लगा है कि 2000 तो ही इस लास वेगस के अंदर कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब तो नुमाइंदे पहुँचते हैं, ता जो बच्चों के चंगे भविख लई जिहड़ी एजुकेशन है वह उहदा प्रबंध किया जाए, चंगे बच्चों वास्ते चंगी एजुकेशन जिहड़ी है वह दिती जाए। सो इत्थों दीआं संगतां वल्लों वी बहुत बहुत योगदान पाया जाता है, जो कि अज साडे गुरद्वारा साहिब विखे गुरद्वारा गुरु नानक प्रकाश लास वेगस की धरती ते कलगीधर ट्रस्ट के नुमाइंदे पहुँचे हैं, टीम पहुँची है। सो मैं अते गुरु घर के प्रबंधक वीर सरदार भुपिंदर सिंह जी पट्टी अते सरदार पतपाल सिंह जी पट्टी समूह पट्टी परिवार वालों अते लास वेगस दीआं संगतां वल्लों जिया आखदा हाँ और उम्मीद करता हाँ कि आने वाले समय अंदर भी इस तरह ही चंगे बच्चों के चंगे भविष्य भविख वास्ते पंजाब के बच्चों वास्ते या वर्ल्ड के बच्चों वास्ते भी जिहड़ा है उपराला कर रहे हैं, बहुत वधिया है। गुरद्वारा लास वेगस की संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद। वधिया उपराला कर रहे हैं, कोई होर इहो जिहा उठ के उपराला नहीं करता, इन्होंने उपराला किया वा, बच्चों इंग्लिश वगैरह सब कुछ सिखा लिया होया वा, महाराज की बाणी नाल लाउंदे आ, बाणी का भविख जिहड़ा पता लगता बाणी नाल कितना लगता, इन्होंने बहुत उपराला वधिया किया वा। इन्हां दे उपराले नूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा भी जी जी, बहुत मेहरबानी, उपराला किया ना उहदा बहुत बहुत धन्यवाद है, अहीं बहुत मेहरबानी जी। तुसीं भी आ जाओ अगे, भाई साहब तुसीं आ जाओ अगे, आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, तुसीं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी टीवी वालों का तो कलगीधर ट्रस्ट जस टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े अपने माध्यम राही सारे वर्ल्ड दे विच बाबा जी का जो
कार्ज कर रहे वो दिखा रहे हैं तो समूह संगत नूं देखण वालियां नूं ते सुनण वालियां नूं ते हाजिर होण वालियां नूं सारियां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े कोल पहला संत बाबा इकबाल सिंह जी काफ़ी देर तो आ रहे सन, जिहड़े हुण साढ़े विच नहीं पर साढ़े दिलां विच जरूर हन, जिन्हां ने अपनी बहुत ही नेक माई दे नाल इह काम शुरू किया अते चल रहा है बहुत वधिया। ते संत दविंदर सिंह जी हुणां दा बहुत बहुत धन्नवाद आ, जिहड़े हर साल साढ़े को जां सारे देश प्रदेशां विच आंदे हन ते असीं इन्हां दा ते अकाल पुरख दा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। इन्हां नूं असीं जी आए हैं तो इन्हां लई बहुत ही शुभकामना नाल इस तरह कम चढ़दी कला विच वाहिगुरू रखे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण साडे नाल ने गुरचरण कौर संघा जी, जिन्हां ने बच्चे भी स्पोंसर किए ने, बड़े लंबे समय तो बड़ू साहब नाल जुड़े हुए जी। तुसीं अपने विचार दिओ जी, एक तां जे लॉस बेगस आए ने वेलकम कह दिओ, ते नाल तुसीं तुहाडा तजर्बा जिहड़ा इन्हां नाल जुड़न दा, ते उस तों बाद बच्चे किहड़े स्पोंसर किए सी? मैं जी इत्थे वैसे एजुकेशन लई आई सी 58 ईयर्स अगो टू दिस कंट्री, ते मेरे फादर साहब करतार सिंह लोहाड़ा पिंड लोहाड़ा तो मोगे दे नाल, सो उन्होंने स्कूल शुरू खोलिया सी प्राइवेट अपने नाँ ते कि बच्चों नूं पढ़ाना। सो द मिशन फॉर द फैमिली वाज टू हैव किड्स एजुकेटेड। सो जदों ए बाड़ू साहब दा पता लग गया तो वी वर फैमिलियर विद डॉक्टर खेम सिंह सारे, क्योंकि मेरे फादर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सी, सो वी वर फैमिलियर विद ऑल ऑफ दैम। तो उस तो पता लग गया कि भी ये बहुत वधिया काम हो रहा, एंड आई वॉज सो इंप्रैसड, सो आई स्पॉन्सर्ड किड्स एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड for us the education is one of the biggest thing you can give to a child, and that's what the purpose of the family has been, and we will continue to do that. And when I found out last year that Dr. Savith aaya, so I met him first time and Mukta ji nu pehli baar mili, so I want to really appreciate and welcome them that they are here, and the mission they have is really really way beyond that we can think of. ji te puri duniya vich dekh rahe honge parents kivein jud sakde ho, ki karna chahida unnu seva vaste Baru Sahib? I think the what best thing we can do is sponsor children, help as much as we can, and that is so important because kise ek di vi life ban gayi hai it's worth something. So I would request people please sponsor children and give as much as you can. Guru Roop Sath Sangat Ji vich sangat har prab vasse jiyo, rasna pavitr karo, Vaheguru Ji ka khalsa Vaheguru Ji ki fateh. Sath Sangat Ji das tay dilon dhanwad karda hai Gurdwara Sahib di समुची मैनेजमेंट का, भट्टी परिवार का, भाई साहब का, होर जितने भी पतवंदे सज्जन हैं जिन्होंने साढ़े ते अपार बख्शिश की है सानू इस संगतां की चरण धूर छूण का सानू मौका दिता है। साध संगत जी, जे असी विचारीए कि इस समय दुनिया विच सब तो वड्डी समस्या की खड़ी हुई है, असी समझ जावांगे कि जिहड़ी अशांति फैली हुई है, जिहड़ा पीस नूं थ्रेट है, ये सब तो वड्डी समस्या दुनिया की है। असी ऐसे ऐसे शस्त्र, ऐसे ऐसे परमाणु बम तैयार किए हुए हैं कि जे ये किसी ऐसे व्यक्ति दे हाथ विच आ जाण जिस दे अंदर दैवी गुण नहीं है, सारी दुनिया कई बारी नष्ट हो सकती है। विचारन दी गल फिर यह है कि ऐसे दैवी गुण बच्चों विच किवें पाए जाण। जे केवल ते केवल दुनियावी विद्या, कन्वेंशनल एजुकेशन, सो कॉल्ड साइंटिफिक एजुकेशन दे नाल शांति स्थापित हो सकती, तो भाई फिर अमरीका विच ते 4,500 यूनिवर्सिटियां हैं, अमरीका नूं सेध देनी चाहिए कि किवें शांति आएगी। पर असीं देख रहे हाँ
जितने भी सो कॉल्ड डिवेलप्ड नेशन हैं इन्हां दी हवस होर वध गई है कि साड़ी हेजेमनी सारी दुनिया दे उपर रहे। संकोच नहीं करते कि साड़े इस एक्शन का नुकसान की हो रहा है, कितना पीस नू थ्रेट हो रहा है। जरा सोचिए असी इस समय ही दो वड्डे जंग छड़े हुए हैं, हजार हजारा बंदे मर चुके हैं, मर रहे हैं। जे ये दुनियावी यूनिवर्सिटियां शांति स्थापित कर सकती हैं तो ऐसे गुण साढ़े नेतावां विच पा सकते सी जिन्हां नाल वो शांति स्थापित करते। सवाल फिर यह आ जाता है कि एजुकेशन का परपज की है, किसनों कहिए कि यह बंदा पढ़िया लिखा है। वॉट इज बीइंग एजुकेटेड ऑल अबाउट, गुरु नानक साहब के बचन हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। ओ पढ़िया होया व्यक्ति मूर्ख है, दैट लिटरेट मैन इज अ फूल, जड़ा के अटैचमेंट लब लोभ ग्रीड अहंकार होमे विच ग्रस्त होया होया है। दुनियावी विद्या दे नाल साड़ी होमे होर वध जांदी है। जे असी विचारीए तो एजुकेशन का की अर्थ है, एजुकेशन का अर्थ है मन नू होमे तो मुक्त कर देना, इमेंसीपेशन ऑफ द माइंड। जी दुनियावी विद्या है ये होमे होर वधा देंदी है, इस गल दी होमे आ जाती है कि मैं बहुत लायक हाँ, मैं बहुत पढ़िया लिखिया हाँ, मेरे अंदर बहुत गुण आ गए हैं। नाल ही गुरु साहब कहते हैं विद्या विचारी तां पर उपकारी। सो गुरु नानक साहब ने दो भाषावां दो डेफिनेशन दे दित्तियां हन, एक पढ़ना जिहड़ा उन्हां दा संकेत सी, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी खात, पढ़िए जेते बरसपस, पढ़िए जेते मास। नानक लिखे एक गल होर होमै चखना चाक, होमै वध जांदी है। और दूसरी महाराज ने परिभाषा दिती है विद्या दी, जिसकी कलमीनेशन साड़ी एजुकेशन विद्या है कि साड़ी एजुकेशन केवल पढ़ना है, इसका निर्णय ता ही होएगा जे विद्या लैन तो बाद असी परोपकार अपना जीवन लगा देवांगे। जे असी परोपकार जीवन लगावांगे ता ही साड़ी होमे काबू च आएगी, ता ही साड़े अंदर दैवी गुण आएंगे। किहड़े दैवी गुण? दया, काइंडनेस। सब तो वड्डा दैवी गुण दिया है महाराज इतक बचन किए हुए हैगे कि जे साडे अंदर दया नहीं है तो साडे अंदर नाम नहीं वस सकता, एब्सोल्यूट कंडीशन है। मन निर्मल होएगा ता ही अंदर नाम वसेगा, नहीं तो फिर मैं मेरी विच असी फसे रवांगे, ग्रस्त रवांगे। महाराज असी रोज़ पढ़ते हाँ जपजी साहब विच, तौल धर्म दया का पूत। जड़ा तौल है जिसने सारी सृष्टि का अपना वजन अपने ऊपर चुकया होया है, वो एक बल्द नहीं है, वो धर्म है। और धर्म का मूल सिद्धांत की होना चाहिए? दया। जे दया साढ़े अंदर है ता ही भाई असी परोपकार के कारज कर सकांगे। दूसरा गुण की क्या महाराज ने? संतोख थाप रखिया जनसूत, संतोख कॉन्टेंटमेंट। साड़ी जितनी भी समस्यावां हन इत्थे अमरीका च, असी इत्थे बाहरों आए हुए हाँ, जे असी विचारीए कि भाई असी सुखी हाँ, आर वी एट पीस, आर वी हैप्पी, बहुत घट साडे चों एक कह पाणगे कि हाँ भी मैं सुखी हाँ। असी ग्रस्त हैगे पैसे कमाण विच, पदार्थ इकट्ठे करन विच, अहुदे लैण वास्ते। बड़ा वड्डा भुलेखा है सानू, सब तो वड्डी इल्यूजन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन, दैट वेल्थ एंड मटीरियल्स और हाई पोजिशन इन सोसाइटी विल गिव अस हैप्पीनैस, कि सानू पदार्थ इकट्ठे करके खुशी मिल जाएगी। भाई खुशी तो
गुरु नानक दे चरणा विच ही है। अपने आप नूं चीनना पैंदा है, जन नानक बिन आपा चीने, चीने अर्थ है पछाणना, मिटे ना भ्रम की काई, भ्रम रह जाता है, दुविधा रह जाती है, मैं मेरी विच आदमी ग्रस्त हो जाता है, दुखी रहता है। सुख ना ही बहुते तन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, बहुत तन कमान नाल सुख नहीं है। नाटक पिक्चरां व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारा दिन से देखते रहते हैं, थोड़ी देर वास्ते साड़ा मन उस विच सानू साड़ी अखां नू उसकी आनंद आ जाता है, पर यह बड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिव्ड होता है। सुख ना ही बो देश कमाए, महाराज ने 500 साल पहला यह वचन किए हैं, बाहरले देशां जाके धन कमा के सुख नहीं मिलेगा। सुख किवें मिलेगा? सर्व सुखां हर हर गुण गाए। सो साध संगत जी, यही साडा रस्ता है। जे असी सुखी जानते हाँ, जे असी चाहते हाँ कि साडे बच्चे सुखी रहन, सारे माता पिता सारा सृष्टि ये तो चाहती है कि भी मैं सुखी रवां, खुश रवां, उसका रस्ता धन कमाण नाल नहीं है, नाटक चाकट देखने नाल नहीं है, दूसरे मुल्कां जाके पैसे कमाण नाल नहीं है। बाबा इकबाल सिंह जी क्या करते सी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, साड़ी अंदर शांति और साड़े जो पदार्थ इकट्ठे किए हुए हैं इन्हां नाल इनवर्स रिलेशनशिप है। जे असी सारा दिन साड़ी सुरत लगी हुई है पैसे कमाण विच ही, तो भाई फिर असी सोचिए कि रात नूं बैठ के असी वाइब्रेट कर लवांगे, ये नहीं होना। सारे दिन असी कूड़ा अंदर इकट्ठा करते गए हाँ, रात नूं सोचिए कि मन साफ करके असी नाम जपिए, ये नहीं होएगा। दास नूं मिसअंडरस्टैंड ना करना, दास ये नहीं कह रहा कि कमाण पैसे नहीं कमाने, जरूर कमाइए, पर सुची किरत करिए। सुची किरत की होंगी है? ऐसी किरत जिस नाल किसी होर दा नुकसान ना हो रहा हो, ऐसी किरत जो करन तो बाद असी जो उसका प्रोडक्ट निकल रहा है वह परोपकार लगाया जाए। महाराज के बचन हम, काल खाए किच हथों दे, नानक राह पछाणे से। भाई जे असी हिसाब नाल जो गुरु का हिस्सा है साड़ी आमदनी का दसवंत कढ़ांगे, तां ही सानू गुरु घर का रस्ता अगे मिलेगा। काल खाए मेहनत करके जो असी खा रहे हैं, ते उस तो बाद असी हथ नाल दवांगे, वंड छकन का जो कॉन्सैप्ट गुरु नानक साहब का, उसी नूं ही अध्यात्म का रस्ता नानक राह पछाणे से, उही पछाण सकदा अध्यात्म का रस्ता। सो साध संगत जी, दास बेनती करेगा सारिआं नूं कि भाई जे असी दसवंत कढ रहे हाँ, धन भाग हन तुहाडे, जे दसवंत असी नहीं कढ रहे तो हिसाब नाल असी दसवंत जरूर कढ़ीए। सारे धर्मां विच दसवंत कढ़िया जांदा है। गुरु अमरदास जी महाराज जी ने यह प्रथा शुरू की थी, इसे दसवंत कढ़न की। महापुरश बाबा इकबाल सिंह जी क्या करते सी, संत अतर सिंह महाराज जी के सेवक, जे भाई सारी सिख पंथ सारा दसवंत कढ़न लग पे तो साढ़े सारे धर्म काज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां अस्पताल सारे सहज सभाएं चलन लग पैणगे। दसवंत कढ़ांगे तो ही रस्ता मिलेगा सानू अध्यात्म का, ता ही खुशी मिलेगी। दास ते इत्थे तक बेनती करदा सारे माता पिता नूं कि जे तुसी एक चीज़ बच्चे नूं सिखानी है, एक गुण सिखाना है, तो भाई उसनों ये सिखा दीए द आर्ट ऑफ गिविंग। देना सिखाता बच्चे नूं ते सब तो वड्डा गुण दे दिता अध्यात्म का, उसनों से रस्ता दिखा दिता, अध्यात्म के स्कूल में दाखला करवा दिता। जे अध्यात्म का रस्ता होएगा तो ही बच्चे दैवी गुण आएंगे, तो ही संतोख आएगा। जो संतोख नहीं है, बिना संतोख नहीं को राजे, सगल सृष्ट का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। सो साध संगत जी, ये दैवी गुण किवें आएंगे? ये दैवी गुण तो ही आ सकते हैं जे असी अपने बच्चों नूं, छोटे छोटे बच्चों नूं असी महाराज के नाल जोड़िए। विद्या की परिभाषा ही यह है, अध्यात्मक विद्या।
ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸਹਿਜ ਸਬਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੋ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 95% ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਡੈਸਟ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂ ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 10,000 ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਬੱਚੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਸੁਇਸਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8,000-8,500 ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ ਹਾਫ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁਆਟਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਸੜਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 10 ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰੀਟ ਖੇੜੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕਸ, ਕੈਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ 501c ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ 2 ਬੈਚ ਸਵੇਰੇ, 2 ਬੈਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆਪ ਜੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੈਕ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ
कि वड्डे अहुदे लै के ज़्यादा धन कमा के असी सुखी रह जावांगे, खुश रह जावांगे। कंफर्ट्स यस, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड वो कुछ होर ही गल हैगी। सो महाराज का आदेश थी कि बच्चों नू ऐसी एजुकेशन दिती जाए जिसकी बुनियाद अध्यात्म दी होए और उस दे उपर वेरी हाई क्वालिटी कन्वेंशनल एजुकेशन। साढ़े बच्चे प्रोफेशनल बनन, साइंटिस्ट बनन, डॉक्टर बनन, इनोवेशंस करन, पर उना दे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। दया दा, संतोख दा, तीरज दा, सहनशीलता, ये गुण अंदर होने चाहिए। ता ही जो वो कमाइयां कर रहे हैं उसका सुख माण माण सकनगे, नहीं तो वो ग्रस्त रहेंगे, इन्हों भोगण विच सुखां नूं आनंदमई जीवन नहीं बतीत करेंगे। आप जी के हुक्मां अनुसार आप जी के सेवक संत बाबा इकबाल सिंह जी ने आप जी के हुक्मां दा पालन करते हुए 1986 विच पंज बच्चियां नाल अकाल अकैडमी बड़ू साहिब स्थापित की, जड़ी के संतां दे हुक्मां अनुसार जिसकी एजुकेशन दी फाउंडेशन अध्यात्म दी है, रिलीजन दी है, स्पिरिचुअलिटी दी है, ते नाल उस दे उपर क्वालिटी एजुकेशन दित्ती जांदी है। बड़ू साहिब विच अज तकरीबन 1200 बच्चे फुल्ली रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं और बड़ू साहिब दी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नवी दिल्ली नाल एफिलिएटेड है। नाल ही उत्थे दो इंटरनेशनल बोर्ड्स होर चल रहे हैं, IB इंटरनेशनल बॉकलरेट जो जनेवा नाल एफिलिएटेड है, तो दूसरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का IGCSE। तीनों बोर्ड्स की एजुकेशन अवेलेबल है, बड़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन दिती जाती है। पिछले 6 साल तो अकाल अकैडमी बड़ू साहब का पढ़िया विद्यार्थी पूरे हिमाचल विच फस्ट आंदा है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन है। जो पंज बच्चियां नाल 1986 विच आरंभ हुई से प्रोग्राम, अज उस दे अंतर्गत पंजाब दे पिंडां विच, हरियाणे दे पिंडां विच, उत्तर प्रदेश, राजस्थान विच, जिथे जिथे भी सिख आबादी है, 129 अकाल अकैडमियां, 129 स्कूल शुरू हो किए गए हैं। इन स्कूलों विच 70,000 बच्चे विद्या ले रहे हैं। उसी तरह की क्वालिटी एजुकेशन जिथे जिथे भी साडा स्कूल है उस जिले विच जब बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो साढ़े स्कूल का विद्यार्थी अपने शहरी बच्चों नालों ज़्यादा नंबर लैके पास हो रहा होंगे। इनवेरिएबली द डिस्ट्रिक्ट टॉपर इज़ वन रूरल चाइल्ड फ्रॉम वन ऑफ अवर अकेडमीज। सो ये क्वालिटी एजुकेशन दिती जा रही है। हुण दास इस वास्ते आप जी अगे हाथ जोड़ के खड़ा है कि भाई पिंडा दे बच्चों को रिसोर्स नहीं हैं कि साड़ी मीगर फीस भी अफोर्ड कर सकन। असी एक बच्चे तो एक महीने की छोटी क्लास में 1500 रुपये महीना फीस लेंदे हाँ, तो 10वीं क्लास के बच्चे की 3000 रुपये फीस ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज $2 पर डे का खर्चा है, $50 अ मंथ एंड $500 अ ईयर, इतना खर्चा एक बच्चे की पढ़ाई का, पर वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो असी तो ये ऐलान कर दिता है कि जो भी कोई बच्चा पंजाब विच साढ़े स्कूल दाखला लेना चाहे इस करके अवांझा ना रह जाए कि वह अफोर्ड नहीं कर पा रहा। 70,000 बच्चों चों 8,000 बच्चे इकनोमिकली चैलेंज फैमिलीज़ दे हन जड़े फीस नहीं दे पा रहे, एक पैसा भी फीस नहीं दे पा रहे। इस तों इलावा तकरीबन होर 20,000 बच्चे हैं जो असिस्टेड एजुकेशन वास्ते असी उन्होंने एडमिट किया है, कुछ 50% फीस देंदे हैं, कुछ 25% फीस दे रहे हैं। साध संगत जी दास ये बेनती करेगा कि भाई जड़े ये 27-28,000 बच्चे हैं असी इन्हां दी स्पॉन्सरशिप करिए, इन बच्चों को अडोप्ट करिए ताकि ये बच्चे भी मुकम्मल विद्या लैके तो जिथे भी जान, चाहे देश विच नौकरियां करन, बिजनेस करन, एंटरप्राइज करन या बाहर जाके नौकरियां करन, ये जो गुरु नानक का संदेश है सरबत दे पले दा ये दे सकन, ते नाल ही जीवन अपना भी सफला करन, ते संगत को चढ़दी कला विच रखन। एक बच्चे दी स्पॉन्सरशिप $500 साल दी है, जे कोई
लाइफ टाइम परपिचुअलिटी वास्ते बच्चा स्पॉन्सर करना चाहता है तो साध संगत जी $5,000 दे के वो बच्चा लाइफ टाइम स्पॉन्सर होता है। जब वो बच्चा 12वीं कर जाता है तो उसी अमाउंट के इंट्रस्ट नाल एक होर बच्चा ये बेनीफिट लेना शुरू कर देता है परपिचुअलिटी वास्ते। जब तक सृष्टि है तद तक तुहाडे वो $5,000 दिते गए एक लोड़मंद बच्चे नूं विद्या दवानगे। नाल ही महापुरशां ने दो यूनिवर्सिटियां स्थापित कीतियां हन, तलवंडी साहिब विखे अकाल यूनिवर्सिटी ते एक लड़कियां दी यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब विखे। उन्हां वास्ते भी आप जी बच्चे स्पॉन्सर कर सकते हो हायर एजुकेशन वास्ते। इंजीनियरिंग दे कोर्स वास्ते सालाना जो फीस है वह $1,000 है, परपिचुअलिटी वास्ते अडोप्शन $10,000 है। दास ये बेनती करेगा कि भई असी इस जो ये उपराला किया है महापुरशां ने बाबा इकबाल सिंह जी ने उससे असी अपना हिस्सा पाइए, अपना जीवन सफला करिए ता कि सानू भी राह मिल जाए। महाराज के बचन हन, काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। अध्यात्म का रस्ता, परमार्थ का रस्ता, शांति का रस्ता, सुखी रहन का रस्ता ता ही मिलेगा जे असी दसवंत कढ़ना शुरू करांगे। एक होर जो दास ने बेनती करनी है आप जी नाल कि असी पिछले 2 सालों तो ऑनलाइन पंजाबी दी एजुकेशन दे रहे हैं। कोविड वेले प्रोग्राम शुरू होया सी, तकरीबन 800-900 बच्चे पंजाबी लिखना पढ़ना सीख गए हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, मंडे टू फ्राइडे एक क्लास लगती है 1 घंटे वास्ते शाम के टाइम पर एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ US स्टूडेंट्स। तकरीबन हुण तक 800-900 बच्चे ये पढ़ाई कर चुके हैं, 9-15-16 देशों तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका सक्सैस देखते हुए असी हुण एक मैराथन प्रोग्राम शुरू किया है इस विंटर वेकेशन वास्ते, क्रिसमस ब्रेक वास्ते। 15 दिसंबर तो लैके 2 जनवरी तक एक मैराथन असी पंजाबी का प्रोग्राम शुरू किया है। जड़े बच्चे या वड्डे भी पंजाबी सीखना चाहन, उन्होंने बिल्कुल भी पंजाबी ना आँदी ना बोल सकते हो, उन्होंने असी कोशिश करांगे कि 17 दिन बोलना शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें। जिन्होंने बेसिक्स आदि हूँ असी लिखना भी शुरू करा देंगे। दास बेनती करेगा कि ये भी जो उपराला है आप जी इस विच हिस्सा लो। इस दे अलावा असी हर साल बड़ू साहिब विखे एक गुरमत कैंप लगाते हैं बाले बच्चों वास्ते। 7 जुलाई तो लैके 14 अगस्त तक ये हर साल लगता है। उत्थे भी आप जी अपने बच्चे भेजो, गुरमत विद्या लैणगे, 33 सास सीखणगे, शब्द कीर्तन सीखणगे, पाठ करना सीखणगे। बहुत ही ये यूजफुल प्रोग्राम है। जड़े बच्चे भी उत्थे आए हैं बहुत गेन करके उत्थों वापस आए हैं। इस प्रोग्राम वास्ते कोई भी फीस चार्ज नहीं होंगी। दास बेनती करेगा कि सवक्ते आप जी अपनी टिकटां बुक करा लो ते बच्चों नूं गुरु दे नाल जोड़ो। इन्ना कहिंदा होया दास पुछो दिखे मां मंगदा है असीस दो कि असी इसी तरह आप जी दे चरणा च सेवा करते रहिए। महापुरशां ने जो ये विद्यक अदारे खोले हैं इन्हां दी सेवा चढ़दी कला नाल होंदी रहे। देव सज्जन असी सड़िया जो होवे साहिब सिओ मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी जिवें उन्हें बाबा जी ने आप जी नूं सारा दस्या, अपनी जिहड़ी चैरिटी हैगी टैक्स एग्जम्प्ट हैगी है, 501c रजिस्टर्ड चैरिटी हैगी है। सो आप जी दियां जिहड़ियां भी डोनेशनस हैगियां ने वो टैक्स एग्जम्प्ट होणगियां। असीं क्रैडिट कार्ड लै रहे हैं, चैक्स लै रहे हैं, कैश लै रहे हैं। आप जी डायरैक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हो। साडे कोल बच्चियां दे बाहर टेबल दे उत्ते प्रोफाइल्स हैगे ने, आप जी उहदे उत्ते बच्चे दी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि बच्चे नूं की चैलेंजेस फाइनैंशियल हैगे ने। आप जी अपनी पसंद नाल अपने पिंड दे नेड़े या जिहड़ा बच्चा जिहड़े शहर तो आप जी ने सिलैक्ट करना है आप जी उत्ते देख के सिलैक्ट कर सकते हैगे हो। सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि जिहड़ा भी डोनर इस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम विच डोनेशन दिंदे ने उहनां नूं बच्चे दी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द ईमेल, ते बच्चे दी प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे दे अपडेट्स जिहड़े कि क्वार्टरली आया करनगे। उहदे नाल दे नाल जिहड़ा डोनर है इंडिया तुसी जांदे हो, तुसी बच्चे नूं अकाल अकैडमी दे विच जा के विजिट कर सकदे हो, फैमिली नूं विजिट कर सकदे हो। ईवन कि असी इत्थों जिहड़ा कि जूम कॉल भी सैटअप कर सकदे हाँ
ताकि आप जी बच्चे नू देख सको, पेरेंट्स ना गल कर सको, ताकि जेरी ट्रांसपेरेंसी तुहानू श्योरिटी होई कि तुहाडा जेड़ा दसवंत ए स्पॉन्सरशिप डोनेशन हैगी किहड़े बच्चे नू जा रही हैगी है। जिवें बाबा जी ने कहा कि 15 दिसंबर तो जनवरी 2 तक जेड़ा कि 2 वीक्स दी पंजाबी लर्निंग क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो रही हैं। 2 बैच सवेरे शुरू हो रहे, 2-2 घंटे दे, 2 बैच शाम नू होंगे। सो आप जी एदियां भी डिटेल्स बार प्रोवाइड कीतियां हुई हैं, कैंप दियां डिटेल्स ने। सो जिन्हां दे भी बच्चे ने जेड़े इंट्रस्टिड ने, प्लीज़ आप जी आके वो बुकलेट जरूर तुसी लैके जाओ। उहदे ते पूरी वैबसाइट हैगी है जिहदे ते जाके तुसी अपने आप नू ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैगे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, निघी गोद का आनंद माण रही गुरु रूप, गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास नू बड़ा चंगा लग्या इत्थे आके, बड़ी खुशी हुई है कि ये गुरु घर नू दे विच, जदों मैं इत्थे 98 विच मैं इत्थे मूव कीता सी ते उदों अपने कोले कोई गुरु घर नहीं सी। उदों ये जगह लई आपां सारयां ने रल मिल के पहलां छोटी बिल्डिंग बनाई, उस तो बाद आप जी दे सहयोग दे नाल ये वड्डी बिल्डिंग बनी। सो बड़ी खुशी हुई अज मिल के आके देख के सारयां नू। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो बड़ू साहब दे प्रोग्राम चल रहे जिहड़ियां संगतां, मैनू काफ़ी संगत जानदियां ने, मेरे बच्चे भी बड़ू साहब पढ़े ने उदों, जो इत्थे रहिंदे हुंदे सी जानदे सी बच्चों सारयां नू। सो मेरियां बेटियां उत्थे जाके पढ़ के आईयां ने, 12वीं क्लास उत्थों करके आईयां ने। सो बड़ी खुशी हुई अज संगतां दे दर्शन करके। अपने कोले बाबा जी आए हुए ने, डॉक्टर दविंदर सिंह जी ते मुक्ता भैन जी। आपां जिहड़े ये चल रहे बड़ू साहब दे प्रोग्राम है, इन्हां दा वध तों वध आपां सपोर्ट करिए, ये वध तों वध अपना योगदान पाइए जी। जो भैन जी ने सारे प्रोग्राम दसे ने, बाबा जी ने दसे ने, आपां इहदे विच वध तों वध हिस्सा पाइए। बाहर टेबल लग्या होया, उत्थे सारयां दे दर्शन जरूर होण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बड़ू साहब के प्रोग्राम जिहड़े चल रहे हैं जी पूरे अमेरिका के, लास वेगस के, धन धन बाबा दीप सिंह जी जिहड़ा गुरु घर हैगा उत्थों असीं गल कर रहे हैं, विचार भी सुने बाबा जी दे। साडे नाल ने साडे रूबी भाजी हैगे ने, रूबी कहते हैं प्यार दे नाल, ते पूरा नाम करमजीत सिंह लुबाणा, करमजीत सिंह लुबाणा। हाँ जी, तो बहुत वधिया मित्र ने जी, बड़ी इन्होंने आवभगत भी साडी वॉक की है बड़ा सर, तो थैंक यू तुहाडा। तो एक तुसीं मैनूं पता लग्या कि अज्ज बड़ू साहब वास्ते बच्चा भी स्पॉन्सर किए। हाँ जी भाई, ये बड़ा अच्छा उपरा इन्हां दा, शुरू तो ही आते रहे साढ़े कोल, अज नहीं मेरे ख्याल काफ़ी सालों तो आते हैं, हमेशा असं इन्हां दे नाल हाँ। मेन थिंग साढ़े जसपाल जी नाल ने, इन्हां दे ते नाल राज भाई ने, सो वी ऑलवेज हैल्प दैम। सो यही कहेंगे कि जो उपराला इन्हां दा पंजाबी बारे है वो इदा ही चली जाए तो पंजाबी होर साडी नू स्ट्रोंग होएगी। बिल्कुल जी, जिहड़ी विद्या हैगी है जी, फैले विद्या चानण होए, ये सब तो वड्डा ज्ञान का जिहड़ा प्रसार करना वो बहुत वड्डी गल है। तुसीं वी शब्द कहो जी इन्हां दे उपराले बारे। हाँ जी, मेरा नाम टोनी सरोवा जी है। बहुत वड्डी ये जिहड़ी साडे पंजाबियों नू देण आ पंजाबी बोली, तो ये जिन्हें स्कूलों में मैं भी कोशिश असीं सारे करते हैं, बच्चों नू सपोर्ट करो, इन्हां नू वध तों वध सपोर्ट करो, बहुत ही ये कम्यूनिटी चंगा काम कर रहे जी। सत श्री अकाल। राजधाल वाल साहब, अज बड़ा वधिया रहा प्रोग्राम सारा, बड़ू साहब का बहुत वधिया विचार बाबा जी ने पेश किए, मुक्ता जी ने भी पेश किए, बड़े वधिया विचार, संगतां ने बड़ा सहयोग किया। सो की कहना चाहते हो, संगतां दा धन्यवाद करो जरूर। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी एक बार फिर जस टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज किया, और स्पैशल धन्यवाद बड़ू साहब की समूह टीम का जो कि यह बहुत महान कार्य कर रहे हैं, और गुरद्वारा बाबा दीप सिंह की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि बहुत सहयोग दिता, समूह संगत ना बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बढ़ चढ़ के हर साल की तरह भी इस साल भी बड़ू साहब के जो प्रोग्राम नू सपोर्ट किया है, तो इन्हों सारयां दा असी बहुत बहुत धन्यवादी करते हाँ, और उम्मीद करते हाँ कि अगे तो भी जो भी ये कोई पुकार होवे, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ू साहब वालों शुरू होवे, इदा ही तुसीं वध तों वध सहयोग करते रहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
बिल्कुल जी, ये असं भी यही कहने कि प्रोग्राम तुम घर बैठ के जो देखते हो थले बड़ू साहब के नंबर सारे आते हैं, संपर्क नंबर रविदीप मुक्ता जी का नंबर आता है, कितने भी दुनिया के कोने बैठे हो इन्हों संपर्क तुम कर सकते हो। तो सा भी यही कोशिश हैगी है कि जोड़ा इन्ह का उपराला हैगा विद्या फैलाउन का, वो जिन्ना कुछ योगदान असं पा सकते हैं जरूर पाइए। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह जी। एक बार फिर हाजर नाल साडे गुरु घर के जिहड़े शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा साहब लास वेगस दे विच, उहदे तों संगत भी साडे नाल हैगी ते नाल जिहड़े प्रधान साहब ने वह भी ने। पहला हाँ जी तुसीं सुरेंद्र सिंह जी, हाँ जी, तो अज बड़ा वधिया अज हर साल आउंदे ने बड़ू साहब वाले, अज भी आए ने कलगी ट्रस्ट वाले, की कहना चाहुंदे हो संगतां नूं? बहुत बहुत धन्नवाद साडे वल्लों, ते सानूं बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों की सपोर्ट कर रहे ते अपने बच्चे सामभ रहे, इस करके बहुत ही ज़्यादा वधिया उपराला आ, तो ये तो वधिया उपराला कोई नहीं हो सकता जी। सो सानू साथ देना चाहिए सारे नूं, जिन्ना कि कर सकते सानू सारे नूं इहनां दा साथ देना चाहिए, तो अगों तो वध तों वध बच्चे उत्थे भेजने चाहिए पढ़न वास्ते। तो सरदार जसबीर सिंह जी दियो साहब प्रधान ने गुरु घर के सेवादार मुख सेवादार कह सकते हैं, एक तो धन्यवाद करते हैं जी मैं संगत वालों भी, तो बड़ू साहब वालों भी कि तुसी हर साल पूरा सहयोग दिंदे हो। तो अज हुण बड़ू साहब की टीम आई सी, डॉक्टर दविंदर सिंह जी, बाबा दविंदर सिंह जी आए हुए जी, मुक्ता जी आए हुए थे, बहुत वधिया रिस्पोंस मिलिया, की कहना चाहुंदे? हाँ जी, थैंक्स फॉर सरदार दविंदर सिंह जो कि इन्होंने उपराला किया, हर साल की तरह अज फिर इत्थे आए हैं, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि संगतां नूं बेनती है कि $500 पर ईयर एक बच्चे नूं तुसीं रिस्पोंस कर सकते हैं। सो सारी संगत नूं बेनती है कि सारे आपां हौसला करिए कि इन्हां नूं वध तों वध जो कि इन्हां दी मदद कर सकीए, जो कि बच्चों की जिंदगी बहुत वधिया तरीके नाल बन सके, आने वाला समा वधिया होवे बच्चों लई। अच्छा, मैं थोड़े जिहा इस गुरु घर बारे भी संखेप दे विच जानना चाहांगा, लास वेगस दा पहला गुरु घर है जी, किन्नी देर हो गई बारे नूं? ये जी पहलों स्टार्ट होया सीगा 1990 दे विच, उस तों बाद छोटी बिल्डिंग बनी, फिर उस तों बाद हुण करोना दे दौरान वड्डी बिल्डिंग संगत दे साहब दे नाल अजे भी काम चल रहा। हाँ, अजे भी काम, काम तो गुरु घर दे कदी बंद नहीं होंदे, लंगर हाल भी छोटा लग रहा जरूर। सो साडे राजपा जी हुणी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शुरुआत इन्हों की सी, इन्होंने पहलों किया कि इन्होंने अज भी बहुत इन्हों की मदद जो भी कही होंगे समागम भी करवाते रहेंगे हर साल के, सो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाल मैं गल करनी चाहवागा जसप्रीत सिंह जो कि इस गुरु घर के रागी सिंघा की भी सेवा निभा रहे हैं, तो नाल कीर्तन ते नाल नाल गुरबाणी का प्रवाह जिहड़ा वह भी संगतों तक पहुँचाते हैं। हाँ जी, तुसी भी जरूर दो शब्द कहो। सब तो पहला सारे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी बहुत धन्यवादी हाँ जी सारा साडा गुरद्वारा साहब, गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी और साडे प्रधान साहब जसबीर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, साडे राज भाई साहब जी, उन्होंने सारे का बहुत धन्यवाद असं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उपराला सदका ही साढ़े को विशेष तौर पर अब बड़ू साहब तो भाई साहब दविंदर सिंह जी पहुँचे हैं, जो कि अकाल अकैडमी के ओनर हैं और बकायदा बहुत ही वधिया ढंग अकैडमी चला रहे हैं। तो हमेशा अरदास करांगे कि भी जो जिस विषय नाल इत्थे आए हैं गुरु साहब कृपा करन, ते जिस तरह के भाई साहब ने दस्सिया है कि $500 पर स्टूडेंट दे नाल उन्हें देना है, तो असी अरदास करांगे और धन्नवाद करांगे भी ये कार्य सफल होने जो मेहरबानी जी। नाल इन्हां दे साथी ने मनप्रीत सिंह, जसबीर सिंह ते मनप्रीत सिंह जी, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तो लास वेगस का ये पहला गुरु घर है जी शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से, बहुत बहुत धन्नवाद सब का।